First of all, I would like to thank the MPL Live Media House. आज मैं यहाँ ईगो टू जीरो सीआरएफ फंड में जो काम चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, उसके बारे में कुछ हमारा दारी सर्कल और पर्टिकुलरली ईगो न्यू दारी जिर्दो और जिमे जो पब्लिक है उसको बताना चाहता हूँ। और साथ ही साथ में हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर है, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जो गवर्नमेंट का साइट इंजीनियरिंग जिसको डिप्यूट किया गया है, दैट मीन्स द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट डिवीजन बासर, तो पर्स ये फंड जब से हमारा एरिया में ईगो टू जीरो जो रोड कंस्ट्रक्शन के लिए जब फंड एलोकेट किया है, तो हम लोग जितना इंटेलेक्चुअल्स है, वेल विशर्स है, ऑफिसर्स, रिटायर्ड पब्लिक जितना है, हम लोग एक मीटिंग किया ड्यू टू दिस पैंडेमिक, तो ऑनलाइन में हम लोग मीटिंग कंडक्ट किया। तो इसमें मुझे चेयरमैन के रूप में चुना गया। सो ऑन माय लेफ्ट रिजो रिबा मेंबर सेक्रेटरी, एंड ऑन माय राइट डॉक्टर ताकोब जीरदो एडवाइजरी बोर्ड का एक मेंबर है और वहाँ का सब हम लोग लोकल है। तो ये इतना ही नहीं, हमारा कमिटी में और भी ऑफिस बियरर्स है, एडवाइजरी बोर्ड में हर ये बस्ती से लाइक ईगो न्यू दार ऑल दार जिमे जीरदो से सब मेंबर इसमें एडवाइजरी बोर्ड में कंस्टिट्यूट किया गया है। तो ये जो है इस रोड कंस्ट्रक्शन को टू ओवरसी दिस रोड कंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स टू मेंटेन क्वालिटी कंस्ट्रक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सब स्टैंडर्ड लो क्वालिटी मटेरियल, तो इसको हम लोग ध्यान में रखते हुए ये मीटिंग जो है कंडक्ट किया है। इसमें हमारा जो कमिटी का नाम जो है, इन द नेम एंड नोमेनक्लेचर ऑफ लोकल क्वालिटी मॉनिटरिंग कमिटी करके ये कंस्टिट्यूट किया गया है ऑन डेटेड 29 नवंबर 2020। देन इसके बाद में फिर हम लोग फिर से हम लोग एक डिसीजन लिया है कि नहीं, सिर्फ लोकल क्वालिटी मॉनिटरिंग कमिटी सिर्फ काम करने से भी नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग एक पब्लिक अपना एरिया का जितना लोग है उसको अवेयरनेस देने के लिए हम लोग न्यू दारिंग बांगोदेर में एक मीटिंग कॉल किया ऑन डेटेड 7 फरवरी 2021। तो जिसमें हम लोग को ये एप्रीहेंशन था कि हो सकता है काम जो चल रहा है इसमें सही तरीका से, यानी कि डीपीआर को डेविएट करते हुए, डीपीआर को मैनिपुलेट करते हुए काम हो सकता है, दैट वाज आवर एप्रीहेंशन। देयरफॉर ये मीटिंग जो है कंडक्ट करने का यही मेन इम्पोर्टेंट था। तो इसमें इन ऑन दैट मीटिंग द पब्लिक ऑफ दारी जीरदो एंड जिमे एंड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, दैट मीन्स डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव, अटेंडेड बाय
AI, JEE, and the subcontractor, Mr. Hengi Riba, ex-JPM, 12 Dari segment, and the public of our area, that means Dari Circle. तो इसमें हम लोग ये डिसाइड किया है कि और ऐसे बात किया है तो कभी हम लोग ये काम को बिना क्वालिटी को मेंटेन करते हुए बिना डीपीआर को मेंटेन करते हुए काम करने नहीं देगा है नहीं देगा और इन केस ऐसा होता है तो हम लोग आप लोग को ये मतलब सजेशन देगा सलाह देगा तो ऐसे नहीं करना है बोल के। तो बात ऐसा हो गया। इसके बाद में इस मीटिंग में 7 February 2021 जो दारी में जो मीटिंग हुआ था उसमें एई भी अपना से एश्योरेंस दिया, कॉन्ट्रैक्टर को एश्योरेंस दिया क्वालिटी को जैसे भी मेंटेन करेगा, इधर उधर काम सब स्टैंडर्ड काम नहीं करेगा, तो ये हम लोग को एश्योरेंस दिया था। देन आफ्टर देयर आफ्टर हम लोग को एक रिपोर्ट मिला कलबर्ट को इस तरह बना रहा है, वॉल को इस तरह बना रहा है, क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा है, तो इस तरह का हम लोग को ऑन द रिपोर्ट ऑन द स्पॉट जो रिपोर्ट मिला है विथ पोटो डॉक्यूमेंट्स फोटो का साथ में हम लोग को पूरा मिला। एंड साथ ही साथ में ये कवर को हम लोग मिलते ही जॉइंट लोकल क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी जो है फिर से हम लोग एक इंफॉर्मेशन मींस एक कंप्लेन लेटर दिया है डीसी लेपारादा, जिसमें ये लेटर जो है ऐसा लिखा था, आप लोग को मैं दिखाना चाहता हूँ। इमीडिएट इंटरवेंशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कलबर्ट एंड रिटेनिंग वॉल ऑफ द ऑनगोइंग ईगो टू जिर्दो रोड कंस्ट्रक्शन। इसमें क्लियरली लिखा है कि क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये इसके बाद में फिर 17 February 2021, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अलोंग विथ एचओडीज ऑफ लेपारादा डिस्ट्रिक्ट एंड कॉन्ट्रैक्टर साथ में पब्लिक एंड एज ए कंप्लेनेंट मैं एज ए चेयरमैन ऑफ लोकल मॉनिटरिंग कमेटी एंड रिजो रिबा मेंबर सेक्रेटरी, ये हम लोग साथ में जा कर के डीसी का साथ वहाँ साइट इंस्पेक्शन किया, कहाँ कहाँ में डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन हुआ है, कहाँ में जो नहीं होना है वो चीज़ को लेकर के इंजीनियरिंग साइट इंजीनियरिंग साथ में वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग भी था, असिस्टेंट इंजीनियरिंग भी था, उसके बाद में जेई भी था। तो ये सब टीम मिल करके हम लोग 0. ईगो से लेकर के जिर्दो तक जितना इन लोग कंस्ट्रक्ट किया है उसको हम लोग पूरा विजिट किया और हम लोग इसमें सब चीज़ बताया। इसके बाद में वो साइट विजिट जिसमें जॉइंट साइट विजिट था, जितना टेक्निकल फेलियर्स है जितना डिफेक्टिव कंस्ट्रक्शन है ये सबको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग डिमांड किया और साथ ही साथ में ये हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी लेपारादा वो बोला है कि हम लोग को ये एश्योरेंस दिया है कि ही विल गिव द एक्शन टेकन रिपोर्ट ऑफ दिस इंस्पेक्शन लेटर ऑन। तो ऐसे बोल करके जिर्दो तक जा करके कुछ भी मीटिंग थोड़ा सा उस जिर्दो में वो रिफ्रेशमेंट हुआ
उसका बाद में आपका डीसी का साथ में जितना एचओडी था, ऑफिसर्स जितना था, उन लोग पब्लिक सब चला गया। इसके बाद में ये पता चला है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन कलबर्ट, बॉक्स कलबर्ट और बोलने से एक छोटा सा ब्रिज सही नाला में, जहाँ अभी हमारा सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, तो उसका मेजर क्रैक हुआ है अपार्टमेंट में। तो इसके लिए मतलब ये जो है हम लोग जितना अपील किया कॉन्ट्रैक्टर को और एग्जीक्यूटिंग एजेंसी को, डिस्पाइट ऑफ आवर रिपीटेड अपील, रिपीटेड रिक्वेस्ट टू द डिपार्टमेंट कंसर्न एज वेल एज टू द कॉन्ट्रैक्टर, बट द रिजल्ट what has happened today, it is already viral and all of us is the witness. तो इसके लिए ये DPR का हिसाब से करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या क्या है वो तो department technically, they are the person, they are the officers who is supposed to supervise as and when required by the laborers. तो इसमें ये देखा गया है कि negligence भी दिखाई देता है and some leniency is seen in this issue. इसलिए हम लोग बहुत serious है। अभी जितना भी आगे जो काम करेगा, हम लोग वही चाहता है कि quality को maintain करके काम करे और DPR, TS उसको मेंटेन करके काम करें, एंड हम लोग वही बोलेगा जैसे बियॉन्ड DPR, बियॉन्ड TS हम लोग भी कुछ बात नहीं कर सकता है। तो उसको मेंटेन कीजिए, उसको अगर मेंटेन नहीं करेगा, लोकल क्वालिटी मॉनिटरिंग कमिटी, द पब्लिक लीडर्स, ऑफिसर्स ऑफ द एरिया, जितना यूथ्स है सब उसका वॉइस को उठाने के लिए हम लोग आगे के लिए भी रेडी है। सो विद दिस फ्यू वर्ड्स आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट माय मेंबर सेक्रेटरी रिजो रिबा टू अप्राइज द एग्जैक्ट सिचुएशन व्हाट हैज एक्चुअली हैपन एट सोइनला, जो बॉक्स कटिंग कलवर्ट है उसमें एग्जैक्ट में क्या हुआ है उसका बारे में हमारा मेंबर सेक्रेटरी आप लोग को बताएगा। थैंक यू। एज ए मेंबर सेक्रेटरीज तो मैं बताना चाहता हूँ, स्पेशली आज का मीडिया मींस आज में आने का जो मोटो है हम लोग का, जो वीडियो जो स्पेशली वायरल हो रहा है तो उसके लिए है हम लोग। बिफोर दैट आई वुड लाइक टू हाईलाइट DPR, तो DPR का बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो उससे पहले जो ये हम लोग का जो चेयरमैन सर ने जो बोला है उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए फिर से हम लोग ने ये रिसेंटली एक कंप्लेन लॉन्च किया है जिसमें हम लोग लिखा है कंप्लेंट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिफेक्टिव कलवर्ट ब्रिज इन द ऑन गोइंग इगोजिडो रोड कंस्ट्रक्शन अंडर 5054 RNB CRPF इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इसको सोचकर हम लोग ने दिया। इसमें हम लोग का कुछ प्यू डिमांड्स है, मैं थोड़ा सा रीड आउट करना कर देना चाहता हूँ। इमीडिएट एक्शंस टेकन द इरिंग साइट इंजीनियर बाय प्लेसिंग देम अंडर सस्पेंशंस विद इन 14 डेज ऑफ टाइम टिल द इंक्वायरी इज ओवर। ये हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डिफेक्टिव कंस्ट्रक्टेड ब्रिज एंड कलवर्ट, ये हम लोग का सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है होल्डिंग ऑफ पेमेंट टू कंट्रैक्टर टिल द कंप्लीट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द डिफेक्टिव ब्रिज एंड कलवर्ट इज ओवर। देन फोर्थ पॉइंट होल्डिंग ऑफ एनी फर्दर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स अंटिल द अफोरमेंशन डिमांड आर फुलफिल्ड। एंड फाइव में इनिशिएट डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट कंट्रैक्टर अब्लिक सब कंट्रैक्टर मिस्टर हेंगी रिबा फॉर डेविएटिंग
for deviations and manipulations of deviator. Then next point is shouting action taken reports within 14 days from the day of submission of the complaint letter. This is our demands we made in our complaint. तो ये था, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहता था. उसके बाद मैं डी पी आर में जाऊँगा. ये हमारे पास आप लोग देख सकते हैं, ये डी पी आर है जो हम लोग थ्रो आर टी ए के थ्रो से हम लोग ने उसको लिया है. बसर पी डब्ल्यू डी बसर डिवीजन से हम लोग ने लिया. तो इसका मुताबिक जब हम लोग देखता है तो टोटली एरिया में आपका जो है कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं आपका साइट इंजीनियर लोग. अच्छे से मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है. जहाँ में देखा है तो डी पी आर में लिखा है कल्वर्ट, रिगार्डिंग कल्वर्ट में लिखा है आपका डी पी आर में. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बात यह है कि डी पी आर मल्टीपल है, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है. जैसे हमारे चेयरमैन सर ने बोला 7 फरवरी 2021 को हम लोग ने मीटिंग बैठा, तो उसमें खुद ही आपका असिस्टेंट इंजीनियर ने कहा हम डिपार्टमेंट का पास कुछ भी नहीं है. अगर डिपार्टमेंट, मेरा सवाल यह है कि डिपार्टमेंट का पास कुछ नहीं है तो ये डी पी आर हम लोग को कहाँ से दिया? और जो अभी ऑनगोइंग रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो कौन से डी पी आर से बना रहा है? ये हम लोग का था डी पी आर में. उसका बाद नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, जो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्टर्स जो है यहाँ में है, एक्सेप्टेंस लेटर्स में आप लोग को दिखाई देगा. ये आप लोग थोड़ा सा अच्छा से ले दीजिए. ये एक्सेप्टेंस लेटर्स में ये आपका जो है टेंडर जो है आपका एमएस पूना हिंडा का नाम से उन्होंने टेंडर जीता. तो उसके बाद कौन कॉन्ट्रैक्टर है कॉन्ट्रैक्ट बना रहे उसको हम लोग, लेकिन बाद में पता चला है कि सब कॉन्ट्रैक्टर जो है मिस्टर हेंगिरबा है. तो ये है. तो हिना सर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप टेंडर लेते हैं किसी भी जगह के तो आप खुद ही करें, बाकी को ना दें. अगर आप खुद नहीं कर सकते, अगर आप करना नहीं चाहते तो बिल्कुल टेंडर ना मारें. ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें आपका भी नाम बदनाम हो रहा है. क्योंकि जहाँ तक हम लोग का जानकारी है, हम लोग साइट विजिट 2-3 बार किया जिसमें आपको हम लोग ने कभी एनकाउंटर नहीं किया. एज ए ये आपका कंट्रेक्टर का रूप में हम लोग मिस्टर हेंगी को ही पाया गया है. तो उसको बोलते हुए फिर मैं बोलना चाहूँगा, जब हम लोग चीज़ को देखता है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ पूरी तरह से हुआ है, स्पेशली आपका फाउंडेशंस में. फाउंडेशंस में आपका क्या होना चाहिए? फाउंडेशंस में आपका पीसीसी होना चाहिए, आरसीसी होना चाहिए, जिसमें उन लोग ने आरसीसी टाइप में बनाया है लेकिन रिक्वायर्ड जो मटेरियल से उन लोग ने नहीं दिया है. सपोज आपका उसमें सीमेंट रेशियो में कॉम्प्रोमाइज़ किया, सीमेंट में 1:3:6 दिया है विथ अलोंग विथ आपका क्रास एग्रीगेट क्रास जो स्टोन होता है, क्रासल स्टोन होता है, उसका 40 mm डालना चाहिए फाउंडेशन में. आई एम टॉकिंग अबाउट फाउंडेशंस. लेकिन हम लोग ने जब साउथ विजिट किया ऐसा कुछ भी हम लोग को पाया नहीं. उन लोग ने सिर्फ आपका सीमेंट, बालू और गिट्टी तोड़ा डाला है, लेकिन एस पर डी पी आर में जो दिया है वैसे बिल्कुल नहीं बना है. यहाँ में हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ पाया. देन आपका रोड में हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ पाया. तीन प्रकार के आपका कल्वर्ट ने बनाने को बोला है गवर्नमेंट ने, 1 meter, 2 meter and 6 meter. 1 meter में आपका रोड डालना है, रोड का डायमीटर स्पेशली 16 डायमीटर रोड डालना है. इसमें उन लोगों ने क्या किया, 8 और 10 डाला, इसमें हम लोग को कॉम्प्रोमाइज़ पाया. देन सेकेंड में 2 में भी वही 16 डालना है लेकिन उसमें भी उन लोग ने वही डाला, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ पाया. देन 6 meter वाला जो कल्वर्ट है, जो ब्रिज है, इसमें आपको 20 डायमीटर वाला आपका रोड डालना चाहिए, इसमें भी उन लोग ने 10 डाला. ये टोटली अगेंस्ट, मतलब कंप्लीट कॉम्प्रोमाइज हमको यहाँ में दिख रहा है. तो ये है. देन अनदर वन इज योर रोड का बाइंडिंग जो स्ट्रक्चर्स होता है, इसमें उन लोग ने पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ किया. देन आपका रोड का नंबर्स ऑफ बार, 2 meter में, 1 meter में, 6 meter में कितना नंबर्स ऑफ बार डालना है, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज़ पाया गया. 2 meter में स्पेशली 26 नंबर्स ऑफ बार डालना चाहिए,
लेकिन उन लोग ने वो मेंटेन नहीं किया। और सिक्स मीटर में 51 रोड नंबर ऑफ बार डालना चाहिए, लेकिन उन लोग ने इसको भी कंप्रोमाइज़ किया। तो ये चीज़ है, ये चीज़ का वजह से और DPR में ऐसा लिखा है। एंड ये था स्पेशली DPR का। एंड रिटेनिंग वॉल्स में अगेन मैं आता हूँ। रिटेनिंग वॉल जो हम लोग गालों में बोलते हैं, वो एक कुतुर बोलते हैं, गालों में कुतुर कहा जाता है, लेकिन एक वो सपोर्टिंग चीज़ है, जो चीज़ गिरने जा रहा है उसको सपोर्ट करने वाला, जिसको हम लोग देते हैं उसको हम लोग रिटेनिंग वॉल कहा जाता है। रिटेनिंग वॉल शुड बी इंक्लाइन, बट जो कंस्ट्रक्टेड रिटर्निंग वॉल है, स्पेशली ईगो जो है, ईगो से आधा किलोमीटर जाके एक लिटक एरिया, हार्ड रॉक एरिया है, वहाँ में जो रिटेनिंग वॉल बनाया है, वहाँ में वर्टिकली, टोटली वर्टिकल बनाया है। इन मानसून सीजन्स में एक दो दिन के बाद गिर जाएगा, इसका भी मुझे डर है। तो ये है रिटेनिंग वॉल का। और मैं अभी आता हूँ उसका वजह कौन है, क्यों ऐसा हो रहा है, किसने किया। मैं इसमें टोटली डिपार्टमेंट ऑफ PWD को मैं दोषी ठहराना चाहता हूँ। हम लोग का लोकल क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी का चेयरमैन सर लोग का, एडवाइजर लोग का सजेशन से हम लोग जो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, बोलकर रिपीटेडली हम लोग ने कंप्लेन किया, उस कंप्लेंट को उन्होंने क्या किया, इग्नोर किया। हम लोग ने पास कंप्लेंट में क्या किया, कंस्टिट्यूट कीजिए मॉनिटरिंग कमेटी एरिया को मॉनिटर करने के लिए, उसको उन्होंने इग्नोर किया। सेकेंड, हम लोग ने पूछा उसको साइट विजिट कर, आप लोग कर रहे हैं ना, मॉनिटर कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे, साइट विजिट कर रहे बोल रहे, लेकिन उन लोग के पास रिपोर्ट नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, जो भी साइट विजिट करता है उसका एक सर्टेन रिपोर्ट होता है, उन लोग ने कभी हम लोग को रिपोर्ट प्रोड्यूस नहीं किया। देन उन लोग ने ये सब चीज जो है, हमेशा उन लोग ने ये किया है कि कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उन लोगों ने किया। एंड वन मोर थिंग, ऐसा कॉम्प्रोमाइज, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने का वजह से जो अभी हम लोग का सोई नला है जो वो क्रैक हो गया, होने का वजह वही है और कोई नहीं है। और मैं उसके बाद फिर ये क्रैक हो, हम लोग ने एक एप्लीकेशन में 17 February 2021 में एक एप्लीकेशन में हम लोग ने चार जगह को मेंशन किया आपका, स्पेशली लिटक एरिया को, रिटेनिंग वॉल को हम लोग ने कंप्लेन किया, ये वीक है। देन हम लोग ने फिर दाची नोला को कंप्लेन किया, दाची स्ट्रीम जो है जस्ट क्रॉसिंग टू द न्यू डारिंग में, आप लोग को एक दास स्ट्रीम मिलेगा, इसमें भी वहाँ का प्लान रिसेंट टाइम जाने का उसको देखते हुए जो उन लोग ने कलवर्ट बनाया है वो गलत बनाया है। देन हम लोग ने फिर अभी जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, सोई नली का क्रैक हुआ है, उसको हम लोग कंप्लेन किया। देन हम लोग पौधी नदी को कंप्लेन किया। तो हम लोग ने उस कंप्लेन में लिखा, सर ये वीक बनाया है, इसको आप जल्द से जल्द देखिए, इसको रिकंस्ट्रक्शन कीजिए, लेकिन उन लोग ने हम लोग का बात इग्नोर किया। उसके साथ साथ उन लोग ने बोला है कि उन लोग का पास भी कुछ भी नहीं है, कौन सा DPR में, कौन सा TS से देखकर बना रहे हैं, हम लोग को पता नहीं। हम लोग जब TS मांगता है, स्पॉट जब DC का वेरिफिकेशन हो रहा था, हम लोग ने ये सब चीज़ मांगा, हम लोग को दिया नहीं है। तो ये सब चीज़ हम लोग के पास डिफ्राइव हो रहा है और हम लोग को इग्नोरेंस कर रहा है, उसका वजह से आज जो है हम लोग का वो क्रैक हो गया। तो इसलिए ये चीज़ को मैं इसलिए बोलना, उसके बाद वन मोर थिंग मैं और ये करना चाहता हूँ, क्रैक होने के बाद फिर से इंजीनियर क्या करते हैं कि उस एरिया को प्लास्टरिंग करना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग क्या कर रहा है, क्या करने जा रहे हो। मेरे पास सब सबूत है, जब क्रैकिंग करने का समय में था उसका पास सबूत है, और जब उसको प्लास्टरिंग किया उस समय का भी सबूत है। तो मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर JEE को मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग क्या साबित करना चाहता है, क्या पीपल्स ऑफ ईगो बांगो, हम लोग क्या बुद्धू है क्या, हम लोग को क्या साबित करना चाहता है, ये मेरा अपील है। उसका बाद फिर उसको अभी क्या बोल रहा है कि कंट्रेक्टर ये लोग मिला जुला के बोल रहे कि बात ये नेचुरल कैलामिटी से हुआ है, दिस इज टोटली रॉन्ग एंड ये मिस प्रोपोगेंडा उन लोग बना रहा है।
उस समय ना अर्थक्वेक हुआ है ना सोइल इरोजन हुआ है। जब वीडियो लिया किसी ने उस क्रैक को, एट दैट टाइम एरिया पर मौसम क्लियर था, वेदर जो है क्लियर था, लेकिन उन लोग ब्लेम कर रहे हैं कि ये अर्थक्वेक का वजह से ये प्लाट जोन एरिया है। अरे उन लोग पता है ना अर्थ अरुणाचल स्कैम से अंदर फिफ्थ जोन ऑफ अर्थक्वेक्स में आते हैं, फिफ्थ जोन ऑफ अर्थक्वेक्स में इसका कहने का डेंजर एरिया है नॉर्थ ईस्ट, उसका मुताबिक तो डीपीआर बनाएगा। क्या डीपीआर ऐसे बनाता है कि नहीं बनाएगा ना? डीपीआर उस चीज़ को कैसे प्लाट आएगा तो अर्थक्वेक आएगा तो कैसे रिटेन करेगा, उस चीज़ के लिए तो बनाता है। तो ये सब चीज़ मेंटेन नहीं किया। उसका साथ उन लोग ने एक और मिस गाइड किया, मैं सबको थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मिस गाइड किया। जब डीसी विजिट करते समय उन्होंने बोला दाच ब्रिज में ये डीपीआर में स्पेसिफिकेशन नहीं है। अब तो ये में भी कॉन्ट्रैक्टर ने खुद का अंडरस्टैंडिंग में बनाया है, दिस इज टोटली रॉन्ग। और पौधी नोला जो जिर्दो नियर में भी उन्होंने बोला है ये भी ये का अंदर में नहीं है, ये प्रोजेक्ट का अंदर में नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्टर खुद सोच के बनाए, ये गलत है। जब हमने डीपीआर को ये देखा, दाची में टू मीटर्स का कलवर्ट है ऑब्वियसली है, एंड आपका ये में पौधी में 6 मीटर्स का रिटेनिंग वाल या ब्रिस्ट वाल है, ठीक है। तो उस ऐसे उन लोग ने मिस गाइड किया, मिसलीड किया डीसी को भी, इसके लिए मैं बहुत दुखी हूँ। आज चलो ठीक है क्रैक स्लिप हुआ है, कल किसी को हो जाएगा तो हम लोग सांस लेने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। मैं ये बोलता हूँ आज सिर्फ क्रैक हुआ है, कल किसी को लेकर जाएगा हम लोग लोकल क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी चुपचाप बैठने वाला नहीं है। और लास्टली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितना भी है हम लोग का HMLA एंड HCM JPC लोग से, आप लोग का इंटरवेंस बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि एरिया में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। तो इन फ्यूचर्स ये हम लोग के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, जो हमने अभी आप लोग को बताया है वो हम ग्राउंड रियलिटी से हम खुद सर्वे करके ये सब चीज़ बताए हैं। और जो फाउंडेशन चीज़ है उसका फोटोग्राफ सिंस डे वन से लेकर अभी तक है, ठीक है, उसको भी मैं न्यूज़ चैनल को देना चाहता हूँ, वो भी इस चीज़ को पब्लिश करें। तो यही बात में मैं अपना बात को रखता हूँ, थैंक यू। अभी सोइल नाला का मैं इम्पोर्टेंस जरूर पहले दूंगा, उसका बाद वो तालकसो है, अलग दूसरा जगह है। एज व्यूअर्स देखिए, ये ईगो कैंप है, ये रास्ता जाता है, देखिए ये रास्ता दिखाई दे रहा है पासीघाट, तो ईगो कैंप है, न्यू दारवीर, ओल्ड दारवीर, सोई नाला, ये सोई नाला जो अभी हम लोग का मेन फोकस, सोई नाला से फिर जुर्दो विलेज, यहाँ से कम करीब 3 किलोमीटर है जुर्दो से सोई नाला तक, और ईगो से जुर्दो तो 13 किलोमीटर है। ये सोई नाला में अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसी में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। और एक सोई आप लोग ताक सोई बोलते हैं, जिर्दो से पार करके ये ताक सोई जगह है जहाँ में इधर में स्ट्रीम है, छोटन स्ट्रीम है, इधर स्ट्रीम नहीं है, ये पहाड़ से लैंडस्लाइड होके बड़ा एरिया लैंडस्लाइड होके कलामती एक्सपोज हुआ, ग्रीन पिजन खाने आता है इसको, ग्रीन पिजन को हालो में ताक बोलते हैं, ताक पिजन, उधर कलामती में खाने आते हैं, इतना ब्यूटीफुल टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। इधर से जाके ये गोए स्ट्रीम, ये वाला स्ट्रीम है लेपा राधा, तो जीर्तों से जाके ताक से जाके सोई स्ट्रीम तक जाता है, ये लेपा राधा राना, यहाँ से जाके रामलुगांगो का है, लोगलू विलेज, कोयू विलेज, वे टू पासीघाट, तो पूरा
ये रामदानो का अंदर रहेगा, इसलिए वो तो मैं बाद में बात करूंगा। अभी जो ये जो सोई स्ट्रीम है जहाँ अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, गुरबर हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन तो हम लोग भी एरिया से मैं जुड़ ईगो एरिया रामगढ़ी से बिलोंग करता हूँ, एक सीनियर सिटीजन हिसाब से। इस कंस्ट्रक्शन में हम लोग भी चाहता है बचपन से जुड़ो तो चल चल के आया, और हम लोग भी चाहता है कि जो भी प्रोजेक्ट बनाए कंस्ट्रक्शन वो करे, लेट द कॉन्ट्रेक्टर बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द नेशन कंट्री, उसमें रुका हुआ डालना नहीं चाहिए। जो कंस्ट्रक्शन चलता है क्वालिटी मेंटेन करके, अच्छा जीपीआर अच्छा से मेंटेन करके कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। आज कंस्ट्रक्शन जीपीआर मेंटेन करके कंस्ट्रक्शन नहीं किया, बिल ड्रॉ कर दिया, 3-4 महीना का बंदा सफेद गिर जाता है। ये बार 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 हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। वही तो हम लोग का दिल में जो हम लोग का शाउटिंग है वही है। हम लोग का विधायकों को, एडमिनिस्ट्रेटर को, ब्यूरोक्रेट को, टेक्निकल लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग दिव्या मेंटेन करके रास्ता किसी को भी बनाने दीजिए, मोर क्वालिटी तो थोड़ा मेंटेन कर दीजिए, वो कंस्ट्रक्शन अच्छा होना चाहिए। यही बोलना मैं और